हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 2019 के जनरल नॉलेज के सेक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। तो ये है वीडियो होगा पार्ट 4, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि बताइए कि जो 11th ब्रिक्स समिट है जो 2019 में होने वाली है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, चाइना है, रशिया है, ब्राजील है और इंडिया है। तो इस सवाल का जवाब तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये एक्चुअली ब्राजील में होने वाली है। लेकिन आपको पता होगा रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी दोस्तों साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे अगर आप टेबल की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो 10th समिट है ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, 11th वाली कहाँ होगी, ब्राजील में होगी, और जो 12th है वो बेसिकली रशिया में प्लान की गई है, विच विल बी अ जॉइंट समिट विद SCO। अब यहाँ पे आपको ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी चाहिए जो आपके लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकती है, किसी भी एग्जाम में, आने वाले सीडीएस में हो सकता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी आ सकता है। तो जो ब्रिक्स है दोस्तों, इसका जो पूरा आइडिया या फिर जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली दिया गया था जिम ओनील के द्वारा, जो कि बेसिकली चेयरमैन है गोल्डमैन सैक्स के। अगली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका है, इसने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। अभी आपको यहाँ पे डेट, जो यहाँ पे ईयर है, ये बेसिकली 2011 है, जो 3rd ब्रिक्स समिट थी उसमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJAY कहते हैं और आयुष्मान भारत भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे जो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, ये बोला जा रहा है कि आप फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं पब्लिक और एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। नीचे वाला चलते हैं, कैशलेस एंड पीपलेस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप जा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, आपको यहाँ पे ना कैश देने की जरूरत है और ना ही कोई पेपर फिल करने की जरूरत है। तीसरी स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर फैमिली। तो ये तो सबको रट गया होगा कि 5 लाख दे रहे पर फैमिली को। तो पहले की 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो चौथा है यह लिखा गया है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर नॉट कवर्ड, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप सोचिए कि सरकार क्या कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एंटर करवाना है इस पर्टिकुलर आयुष्मान या फिर बेसिकली जो PMJAY स्कीम के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग वालों को अवॉइड कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा लोग आप केटर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पूरा लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, उसके बारे में डिटेल जो है वो आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 5 लाख है, उसके बाद यहाँ पे जो कैश है, जो पेपरलेस जो एक्सेस की बात कर रहे हैं, और नीचे वाला जो है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्व किया गया है। ये जो ऊपर वाला, ये बेसिकली PIB की न्यूज से ही लिया हुआ है मैंने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वो वायरस है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो लायंस हैं उनकी डेथ हो रही थी गिर नेशनल पार्क में। तो यहाँ के बाद 4 ऑप्शन है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, निपा वायरस है, हिंद्रा वायरस और फुट एंड माउथ डिसीज वायरस है। तो अगर आपने न्यूज को अच्छे से फॉलो किया तो आपको पता चली गया होगा, इवन मैंने अपने एडिटोरियल एनालिसिस में बताया था कि ये जो वायरस है इसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। उसके बारे में आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ जो एशियाटिक लायंस है जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उनकी जो डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस वायरस जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। अब क्योंकि हम यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने गिर नेशनल फॉरेस्ट के बारे में बात कर लिया है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कब नोटिफाई किया था, 1975 में। उसके बाद यहाँ पे एक और है ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क, जो आपको यहाँ पे वलवदार में मिलेगा। उसके बाद आपको मेनाइन नेशनल पार्क मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ में, और एक और यहाँ पे जिसका नाम है वंसदा नेशनल पार्क। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क सिर्फ 4 ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक का नाम देखिए बताइए कौन से स्टेट में आपको नजर आ सकता है। तो क्योंकि हम गुजरात डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगला सवाल है कि टिल 2018 कौन सी वो कंट्रीज है जहां पे लीगलाइज कर दिया था पोजीशन एंड रिक्रिएशनल कैनेबिस को। अब यहां पे जो ऑप्शन है, यहां पे आपका 4 दिए हुए हैं, अमेरिका है, कनाडा है, नाइजीरिया और उरुग्वे है। तो इवन हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि रिसेंटली कनाडा ने भी इसको यहां पे लीगलाइज कर दिया था पोजीशन ऑफ कैनेबिस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। मेडिसिनल के लिए तो ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे रिसेंटली कनाडा को दिया गया था, और उससे पहले सिर्फ एक ही कंट्री को यहाँ पे जो है लीगलाइज किया गया था, वो है उरुग्वे। अब यहाँ पे उसके बारे में आप नेक्स्ट पेज पे और पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें भी बताया हुआ था। अब यहाँ पे कनाडा की लोकेशन देखिए आपको यहाँ पे मिलेगी, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे उरुग्वे देखना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे नजर आ जाएगी, जो हमारी जो साउथर्न अमेरिका कंट्री है वो आपके उरुग्वे नजर आ रहा है। आसपास की कंट्रीज भी जरूर देखिए यहाँ पे उरुग्वे की कौन कौन सी कंट्रीज टच करें, जैसे यहाँ पे अर्जेंटीना है, ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन सा गलत है, इसमें से आपको पता लगाना है। तो पहला जो है आर्मी वार कॉलेज, ऑब्वियसली यहाँ पे मऊ में मिलेगा। उसके बाद जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, ये आपको गुलमार्ग में ही नजर आएगा। और यहाँ पे अगर आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज की बात करेंगे, ये आपको पुणे में नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल थर्ड जो आपको ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल गलत है। और जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वो आपको देहरादून में ही मिलता है। अब क्योंकि थर्ड वाला गलत है, तो आपको बताना चाहिए कि जो आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज है वो आपको मिलेगा कहाँ पे।
तो ये आपको बेसिकली मिलेगा गोपालपुर कैंटोनमेंट में, जो कि बेसिकली लोकेटेड है यहाँ पे ओडिशा में। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जा सकता है। अगला सवाल है यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक गेम्स एट अर्जेंटीना जो 2018 में हुए थे, तो वो जो यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आए थे? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा है, प्रवीण यहाँ पे चित्रावल है, जर्मी लाल रेनुगा है, और जो है सूरज पनवार। तो ये जो गोल्ड मेडल है ये एक्चुअली मिला है यहाँ पे जो जर्मी लारेनुगा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली जो वेट लिफ्टर है उन्हीं के साथ साथ कौन कौन से वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर सिल्वर मेडलिस्ट है, तो इन सब के नाम यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। अगला सवाल यहाँ पे, जो ए के जानकी एनिमल नेशनल अवार्ड है ऑन टैक्सोनॉमी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज? तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी की जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमी करते हैं कि मतलब आप नेम करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो उसकी जो यहाँ पे जो प्रोमिनेंस वो काफी रिड्यूस हो रही थी, इसी वजह से ज्यादा न्यूज पे था। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे नोटिफाई करती है। अब इसका आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे आप न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री फाइनेंस जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है तो वो एक्चुअली ये अवार्ड दे रहे हैं। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, जिसे बीपीपीआई कहते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, इट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। अगला है, दिस इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिपेंडेंट सोसाइटी ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है, इसका जो पूरा डिटेल है आपको बेसिकली उनकी वेबसाइट पर भी नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्लीमेंटिंग बॉडी है किसके लिए, यहाँ पे जो यहाँ पे हमने ये पीएम बीजेपी के बारे में बात की, उसके साथ साथ उसी यहाँ पे पेज पे आपको नजर आ जाएगा कि ये रजिस्टर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। तो दोनों जो आंसर है आपको यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे ही नजर आ जाएंगे। अगला सवाल है, इन अक्टूबर 2018 यहाँ पे इंडिया गॉट इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। ये जो न्यूज है काफी ज्यादा न्यूज में था, तो आपको पता चली गया होगा इट वॉज इलेक्टेड फॉर द 3 ईयर्स। अगला यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे यूएनएचआरसी के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है ये आपको जेनीवा मिलेगा, जो जेनीवा का पे स्विट्जरलैंड में, उसके साथ साथ इसको फाउंड किया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 स्टेट्स अचीव 99% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन देयर रीजन प्रियोर टू यहाँ पे सौभाग्य स्कीम। अब बताइए वो कौन सी यहाँ पे जो स्टेट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे इन 8 स्टेट्स में? तो यहाँ पे आप देखेंगे केरला ऑप्शन है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो 8 स्टेट्स थे उसमें यहाँ पे मध्य प्रदेश इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब आप पूछेंगे वो 8 कौन से स्टेट्स है, तो 8 स्टेट्स है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, केरला, पंजाब और तमिलनाडु है। तो आप उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर स्लाइड पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मैं आपको ये जो पूरा पीपीटी है ये एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो डिटेल्स है वो एक्चुअली कमेंट बॉक्स में आपको नजर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया अपोज टू पाकिस्तान एंड सेड दैट मुस्लिम राज हियर एंड हिंदू राज एल्सवेयर? तो ये लाइन किसने बोली थी? तो ये जो लाइन है ये काफी ज्यादा फेमस भी है, ये एक्चुअली दी गई थी सिकंदर हयात खान के द्वारा। तो यहाँ पे आप उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, और ये जो हमारे जिन्होंने कहा था उनके बारे में यहाँ डिटेल पूरी दी हुई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1921 में ड्यूरिंग विच यहाँ पे जो हमारे गांधी जी उन्होंने अपना हेड शेव कर दिया था और यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया था लॉयन क्लॉथ को पहनना ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके पुअर्स के साथ। तो बताइए ये कौन से टूर पे थे, क्या ये अहमदाबाद गए हुए थे, चंपारण थे, चौरी चौरा इंसिडेंट था, या फिर या साउथ इंडिया की विजिट पे थे? तो अगर आप देखेंगे अहमदाबाद, चंपारण, जो यहाँ पे चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, ये कहीं ना कहीं जो ये जो पीरियड है इसमें नहीं फिट होता है, लेकिन साउथ इंडिया का जो पीरियड है उसमें यहाँ पे फिट होता है, और वही इसका एक्चुअली आंसर भी है। यहाँ पे अगर आप पीआईबी में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो मदुरई की विजिट पे थे तब उन्होंने ये डिसाइड किया था। वो सारी चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई टू द पुअर, उन्होंने यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे जो है गेटअप अपना चेंज किया था। अगला यहाँ पे आप पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं, यहाँ पे जो चंपारण था 1917 में हुआ था, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद था, और अगर चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करें तो वो 1922 में हुआ था, और हम बात करें 1921 की, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे जो है साउथ इंडिया हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।